दरअसल दिल्ली में अक्टूबर 1951 में पहली बार चुनाव हुआ था। इस चुनाव में जनता का पूरा रुख कांग्रेस की तरफ था, लिहाजा भारी मतों के साथ कांग्रेस की यहां जीत हुई। कहा जाता है कि उस वक्त हुई विधायकों की बैठक में देशबंधु गुप्ता को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। सब कुछ तय था, तय ये भी था कि किस दिन देशबंधु गुप्ता मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। लिहाजा उस दौरान एक ऐसा हादसा हुआ कि देशबंधु गुप्ता की जान चली गई। कहते हैं कि शपथ ग्रहण से पहले ही देशबंधु गुप्ता की हादसे में मौत हो गई। इसके बाद अब सवाल उठा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। ये इत्तेफाकी था कि सभी ने एक सुर में चौधरी ब्रह्म प्रकाश के नाम पर मोहर लगा दी।